ओबीसी का आरक्षण रद्द किए जाने से राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन बीजेपी की ओर से वैरायटी चौक में किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारियां दी। भाजपा की ओर से ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने का पाप ठाकरे सरकार ने किया है, ऐसा कहते हुए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने वैरायटी चौक पर चक्का जाम आंदोलन किया। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार पर ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने का ठीकरा भाजपा नेताओं ने फोड़ा। राज्य के 70% ओबीसी जनता का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पेश नहीं करने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार की जमकर खिंचाई की। छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण के जनक है और उनकी जयंती है, तो सभी आंदोलनकारी को आदेश देते हुए फडणवीस ने कहा कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं राजकीय संन्यास ले लूंगा, ऐसा विधान भी देवेंद्र फडणवीस इन्होंने चक्का जाम आंदोलन में कहा। यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तो मनपा चुनाव में ओबीसी के उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, जिसका खामियाजा राज्य के हर पार्टी को उठाना पड़ सकता है। छत्रपति शाहू महाराज ने सामाजिक समानता के लिए आरक्षण की शुरुआत करके समाज में असमानता की खाई को कम किया था। स्थानिक निकायों में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण समाप्त होने के बाद यह अंतर एक बार फिर और चौड़ा हो गया है। ओबीसी के आरक्षण को रद्द करने का यह षड्यंत्र ठाकरे सरकार का है, ऐसी जानकारी बेसिया समक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने दी है। या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसीचं आरक्षण गेलं आहे। ओबीसीच्या आरक्षणाच्या विरुद्ध याचिका करते एक काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि दुसरा काँग्रेसचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि 13/12/2019 ज्या दिवशी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने यांना आदेश दिला की या ठिकाणी के कृष्णमूर्तीच्या ओबीसी का आरक्षण रद्द होने से इसका खामियाजा हर पार्टी को होना महाराष्ट्र पे तय है। यदि मनपा चुनाव के पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला तो फिर से कोर्ट में जाने की बात उन्होंने बीसीएन समक्ष की। आरक्षण रद्द किए जाने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से वैरायटी चौक में रास्ता रोको आंदोलन किया। हजारों की तादाद में यहां पे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आखिरकार ये ओबीसी का आरक्षण का जो मसला है वो किस प्रकार का है वो जानना चाहेंगे। इस समय में विधान परिषद के विधायक गिरीश यादव जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी, ये बताइए जिस प्रकार से आज ये चक्का आंदोलन जो किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्या ये चक्का आंदोलन करना से क्या सही में बीजेपी को या बीजेपी के जो चाहने वाले ओबीसी को न्याय मिलेगा? देखिए, एक प्रकार से ओबीसी का आरक्षण जो राजकीय आरक्षण देवेंद्र जी फडणवीस के मुख्यमंत्री काल से मिल रहा था, इस सरकार के नालायकी के कारण, इस सरकार के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के कारण वो आरक्षण चला गया। हेरा फेरी करने वाले जो लोग हैं, जिसमें एक छगन जी भुजबल हैं, वडेट्टीवार जी हैं, पडोले जी हैं, इन लोगों के साथ इनके मुखिया जो हैं उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने जिस प्रकार से निर्णय लिए, समय पर सुप्रीम कोर्ट को डाटा नहीं दिया और डाटा न देने के कारण जो दिया जा सकता था एक महीने में न देने के कारण बार बार इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट की तारीख बढ़ा ली, हर बार नई तारीख मांगी और इसका डाटा दिया नहीं, इसके कारण ये रिएक्शन समाप्त हुआ है। इसके पाप अगर कोई किया है तो इस सरकार ने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी का मंत्रालय बनाया, ओबीसी का मंत्री बनाया, तो जब ये सब किया है तो उन्होंने ध्यान में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मुद्दे के लिए संघर्ष रहते हैं और उनके अधिकार के लिए हम रास्ते पर हैं। लेकिन जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के नेता ने ये जो बात कही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार डेटा नहीं दे रही है, वो कितने उसमें कितना तथ्य है? ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आ जाएगा। 2017 के चुनाव में जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, जो जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में उसमें ओबीसी आरक्षण था, तब कोई विषय नहीं आया। कांग्रेस के दो नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद
उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को रद्द किया। इसका पाप कांग्रेस के नेताओं ने किया। इसमें हमने ओबीसी मंत्रालय बनाए, हमने जितने जिला परिषद के सदस्य चुनकर गए वो ओबीसी आरक्षण में गए। हमारे समय आरक्षण था, हम अधिकार पे नहीं है, इसलिए ये ओबीसी का आरक्षण गया। इसकी सारी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे सरकार की, राष्ट्रवादी की, शिवसेना की है और इन्होंने इस आरक्षण को कमाया। आखिरी का सवाल कि जिस प्रकार से आपने ये जो ठिकरा पूरा महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर में ये ठिकरा फोड़ा है, लेकिन फरवरी में जिस प्रकार से स्थानीय चुनाव जो होने जा रहे, क्या उसके अंदर ओबीसी के लिए क्या होगा? देखिए, इसके लिए आवश्यक होगा तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में भी जाएगी। जो अधिकार समाज को दिया गया है, जो आरक्षण के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने उसको ऑर्डिनेंस निकाल के देवेंद्र जी ने कायम किया और उसके बाद चुनाव हुए, उसको कायम रखना है। हम भी अगर आवश्यक हो तो न्यायालय में जा सकते हैं और ये चुनाव नहीं होंगे, इस प्रकार का प्रयास हम भी करेंगे कि बिना आरक्षण के चुनाव ना हो, यही हमारी है। आरक्षण पहले मिले, उसका निर्णय हो, तब तक चुनाव स्थगित रहे। कल भवन कुमार जी चुनाव आयोग से मिल गया, उनको निवेदन दिया हमने चुनाव आयोग को, भवन कुमार जी गए थे, उन्होंने उसका निवेदन भी दिया। आप थे गिरीशा जिन्होंने बखबर पेपर के साथ बात करते हुए ये कहा कि स्थानीय चुनाव में बिना आरक्षण का कोई भी उसके लिए वे कोर्ट में जाने की उन्होंने तैयारी अभी से कर ली है और महाविकास आघाड़ी के ऊपर में ओबीसी आरक्षण रद्द करने का ये पूरा ठिकरा फोड़ा है। राजनीति तो जरूर इसमें गर्मा गई है, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी आरक्षण को लेके और क्या कामकाज करती है। और बीजेपी की ओर से आज जिस प्रकार से पूरे राज्य में 1500 जगहों पे जो चक्का जाम किया, क्या वे पूरे भारतवर्ष में ही करेंगे क्या? लेकिन ये सब होने के बावजूद एक बात है कि जैसे जैसे ओबीसी का आरक्षण जो कम किया जा रहा है या उन्हें उनसे वंचित रखा जा रहा है, इससे ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है और इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले राजनीति में मतदाता के रूप में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वैरायटी चौक से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरा, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।